वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड अ वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। मेरा नाम है शुभम वाशने। तो यार हमने ज्योग्राफी का पार्ट वन किया था, अगर आपने मिस कर दिया है तो एक बार जरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरी प्लेलिस्ट आप देख लो, वहां पर आपको साइंस, हिस्ट्री, यू नो, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी सब मिलेगी आपको। सो गो एंड वॉच इट, ठीक है। दूसरी बात ये कि हमने पार्ट वन में करा क्या था, तो पार्ट वन में जो आपके सामने ये रेड मेहरून कलर में है ना, ये टॉपिक्स हमने किए थे, ठीक है। और मैं आपको ये 24 टॉपिक अगर आपने ढंग से कर लिए जो मैं आपको करा रहा हूँ, तो मेरा आपको वादा ये है कि आप महसूस करोगे कि यार 90% तक के ज्योग्राफी के क्वेश्चन आप कर लोगे, 90%। और हो भी सकता है ये, ठीक है, और ये हुआ भी है पहले पास में कि 100% भी कर लो, ठीक है, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं। याद रखो, यूपीएससी अपने टॉपिक रिपीट करता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, क्लियर है। तो मैंने आज तक जितने भी टॉपिक्स आए हैं बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वो सारे कवर कर रहा हूँ मैं, और इसमें आपकी ऑलमोस्ट एंटायर ज्योग्राफी खत्म हो रही है, ठीक है, बहुत प्रिसाइज वे में कर रहा हूँ। बस आपका काम ये कि आप इसे देखते जाओ। नाउ ये वाले टॉपिक जो हम कर चुके हैं, इसके बाद आज हम कौन से टॉपिक करेंगे, तो भैया आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है ये वाले 14, 17, 19, 20, 21, 22 एंड 24। ये टॉपिक्स हम खत्म करने वाले हैं। इसके बाद जो लास्ट पार्ट 3 होगा वो थोड़ा लंबा होगा, और याद रखो कि जो पार्ट 3 है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, और वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल है समझने में। समझो मेरी बात, उसे समझना थोड़ा सा मुश्किल काम भी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुलाइज चीज़ है। क्लाइमेट, ओशन करंट, लोकल विंड्स, हिमालयस, माउंटेन पासेस, रिवर ड्रेनेज सिस्टम, विंड, ये बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुलाइज है। इसमें ना कई लोग कहते हैं क्रॉप्स आपने मिस कर दिया। यार एक्चुअली मैं क्रॉप्स को ना यहाँ पर काउंट कर लेता हूँ, ये अपना जो मिनरल्स वाला सिस्टम है ना, इसमें इसी में काउंट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो डोंट मतलब आप सोचो मत कि मैंने क्रॉप छोड़ दिए, सब लिया मैंने, ठीक है। नाउ अगर आपको अब इतनी बात समझ में आ गई है तो हम थोड़ा इसमें आगे बढ़ते हैं। तो यार सबसे पहले जो भी मैंने पढ़ाया है वो सब कुछ वैसे पढ़ाया जैसे मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, सेम सिस्टम में, सेम फॉर्मेट में। और आपको याद रखना है कि आप ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ ये फ्री ज़रूर है, बट यार ये कमाल का है और आपको बेनिफिट देगा। तो पार्ट टू के साथ हम एक बात और बोलना चाहूँगा कि पार्ट टू की जो PDF है ना, वो आपको कहाँ मिलेगी, वो आपको मिलेगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक कैसे मिलेगा, यू हैव टू डायरेक्टली गो टू द व्हाट्सएप, ठीक है। व्हाट्सएप के लिए ये दो नंबर हैं, आप इन दोनों पे जाइए। जाने के बाद वहाँ पर लिखिए NDA, अगर आप NDA एग्जाम की देख रहे हैं, CDS तो CDS। आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा। टेलीग्राम को हमारे सर्च करने की कोशिश मत कीजिएगा टेलीग्राम पर, वो नहीं मिलेगा, बिकॉज वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ रखी है कुछ किसी कारण से, हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, बट जब हटेगी देखेंगे। तो अगर आपको लिंक ज्वाइन करना है, सिंपली गो टू व्हाट्सएप, NDA CDS लिखो, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और वहाँ पर ही PDF मिलेगी। PDF याद रखना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को, जब तीनों वीडियो रिलीज हो जाएंगी उसके बाद आपके पास आएगी, पहले नहीं आएगी, ठीक है। चलो, और यार मैं इस वीडियो को लेकर क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि यार मेरा मन ये है कि अगर आप लोगों को मैं अच्छा लगूँ, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, सो यू कम एंड ज्वाइन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, ठीक है। क्योंकि मैं वहाँ अपनी पूरी जान फूंक रहा होता हूँ कि मात्र 30 बच्चे, या आपको जितने बच्चे देख रहे हैं, सिर्फ 30 स्टूडेंट्स है, मात्र 30 स्टूडेंट्स के साथ मैं एक बैच स्टार्ट करूं जिसमें मुझे सबके नाम पता हो, ठीक है, और मैं उनको पर्सनली गाइड करते हुए उनके जो सपना है ना एग्जाम क्वालिफाई करने का, उसे पूरा कर सकूं। सो अगर आपका मन हो, मोस्ट वेलकम। मेरठ में ये जगह है, मेरठ में गूगल पर सर्च करना, मेरठ में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने है ये, तो आप आना जरूर, ठीक है। और बाकी यार तुम्हारा अगर एग्जाम क्वालिफाई हो तो मिठाई जरूर खिलाना, इसके लिए भी एड्रेस तुम्हारे सामने ही है, ठीक है। बाकी मेरे दोनों नंबर हैं अगर आप मेरे से बात करना चाहें। ये टाइमिंग है 6 PM to 9 PM, दिन में कॉल मत करना और सैटरडे संडे ऑफ है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। अब अगला जो टॉपिक है वो है रेलवे जोन। बेटा रेलवे जोन समझो, एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ मैप में कुछ इस तरह से दिखता है रेलवे जोन, नॉर्थन रेलवे जोन, साउथर्न रेलवे जोन, ईस्टर्न रेलवे जोन, वेस्टर्न रेलवे जोन और सेंट्रल रेलवे जोन। बट जब हम एक्चुअली में इसके हेडक्वार्टर या रेलवे के जो मेन जोन होते हैं कि उसका उसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है मामला। जरा मैं समझाता हूं मैं क्यों। अगर मैं इस मैप को दिखाऊं आपको, मैं इससे पूछूंगा मुंबई सेंट्रल रेलवे जोन में कहां है, मुंबई कहां के रखा है सेंट्रल रेलवे जोन में, तो क्या मुंबई मध्य प्रदेश में आता है क्या, नहीं आता है, तो फिर अब याद करना मुश्किल हो जाता है। नहीं, अगर तुम्हें इस मैप को याद करना है तो पहला नियम यह है कि तुम्हें मुंबई को ना 2 मिनट के लिए मान लेना है कि ये यहां पर आता है, नहीं यहां पर, ठीक है। अगर तुम इतनी बात समझ गए तो मेरे को याद करना बड़ा सिंपल सा काम है। जरा समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। सेंट्रल रेलवे जोन में क्या आ गया, मुंबई, जिसे हम क्या कहेंगे, मुंबई सेंट्रल रेलवे जोन, क्लियर है, CR कह देते हैं, ये आपको बात समझ में आ। अब इसके बाद दूसरी जगह पर आएगा जबलपुर। जबलपुर कहां है जरा देखो, जरा यहां पर है तुम्हारा मुंबई और इसके जस्ट बगल में है जबलपुर, और जरा क्लियर वे में देख लेंगे, जरा नहीं यहां पर ही देखेगा, उससे ज्यादा क्लियर नहीं देखेगा, तो यहां पर आ गया आपका जबलपुर, बात समझ में आ रही है। फिर क्या होता है, ये वाला मुंबई पकड़ लो,
ये क्या हो गया, ये हो गया मुंबई वेस्टर्न रेलवे जोन। यहां पर आ गया आपका मुंबई वेस्टर्न रेलवे जोन। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, ये बात तो समझ में आ रही है मेरे को एकदम क्लियर वे में। अब जरा यहां पर हम समझते हैं, यहां पर आ जाता है नॉर्थ। तो नॉर्थ में क्या होगा? दिल्ली सबसे आसान, और साउथ में क्या होगा? चेन्नई सबसे आसान, और ईस्ट में क्या होगा? कोलकाता सबसे आसान, और यहां पर तो मुंबई था ही था ही। तो मुझे नहीं लगता कि ये चारों याद करने में आपको कोई भी दिक्कत आएगी। बाकी बचे कि यार यहां पर ये सब क्या लिखा हुआ। देखो इसके अलावा कई और जोन बनाए गए, नॉर्थन सेंट्रल रेलवे जोन बनाया, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन बनाया, ये बनाया गया, और दो तीन ऐसे बनाए गए जिनका डायरेक्शन से कुछ खास मतलब नहीं था। जैसे ईस्टर्न कोस्टल रेलवे जोन, डायरेक्शन कहीं नहीं है यहाँ पर कुछ खास ऐसी बताई हुई, ऐसे बनाया। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन, जो नॉर्थ ईस्ट को टारगेट करते हुए बनाया गया कि भैया वहां पर भी ट्रेन की सुविधा होनी चाहिए। क्लियर है? वैसे तो अभी अभी आज तक आई नहीं है, बट फिर भी जब आएगी तब सोचा जाएगा कि भैया क्या क्या क्या, क्या सीन है वहां पर। ठीक है, अब जरा समझते हैं। अगर आप मान लीजिए यहां पर आपने 1 मिनट के लिए मुंबई माना है, तो अब यहां से ऊपर जाएंगे तो पहले आपको अलाहाबाद पड़ेगा। क्या पड़ेगा? अलाहाबाद। और अलाहाबाद को ही कहते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन। क्या आ जाता है? नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन में यहां पर अलाहाबाद आ जाता है। क्लियर है? फिर यहां से अगर आप नीचे जाएंगे, यहां से नीचे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? सिकंदराबाद मिलेगा। जरा देखें जरा मैप पे, देखें जरा, ये देखिए यहां पर अगर मान लीजिए आपने मुंबई माना था, तो आप इसे नीचे जा रहे हैं तो आपको मिलना है सिकंदराबाद, और सिकंदरा के बाद आपको लास्ट में मिलता है चेन्नई। क्लियर है? हाँ सर, मिल रहा है। तो यहां पर आपका क्या आ गया? सिकंदराबाद। आई थिंक ये भी याद हो गया होगा। अब जरा देख लेते हैं हमें याद कौन कौन से होंगे, अपने दिमाग में ना खिड़की खनका के देखिए कौन कौन से याद है। ये याद है, 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 ठीक है। और कौन सा याद है? ये याद है, ये याद है। अब बचा कौन सा? ये बचा है, 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 ये और ये। क्लियर है? बच्चे हुए हमें समझ में आ गए। अब समझते हैं आगे। अब इसके बाद आता है हमारा अलाहाबाद। ये तो अलाहाबाद हो गया। हाजीपुर, हाजीपुर आपका जब आप कोलकाता की तरफ जाएंगे तब आपको मिलेगा यहां पर। क्लियर है? यहां पर कोलकाता की तरफ, यहां से आपको मुंबई है, यहां से आप इस तरफ जाएंगे तो आपको हाजीपुर मिलेगा, और यहीं पर आपका आ गया हाजीपुर ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन। क्लियर आ गया? ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन में क्या गया? हाजीपुर। एक बार और देख लीजिए, हाजीपुर। क्लियर है बात? हाँ सर, ये बात भी मुझे याद हो गई। अब यहां पर नॉर्थ वेस्ट में अगर हम इस मैप में ऐसे जाएं, नॉर्थ वेस्ट में यहां से जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा? जयपुर। तो भैया जयपुर भी याद हो गया। तो यहां पर हमारे पास क्या आया? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन। अब नॉर्थ वेस्टर्न हमने कैसे कहा था? ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट के बीच में क्या बना? नॉर्थ वेस्ट। तो यहां पर क्या आ गया? जयपुर। बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? अब हमारे पास दो तीन जगह ही बची हैं सर। ये बचा है, ये बचा है, और अगर ध्यान से देखें तो हमारे सिर्फ ये दो और बचे हैं। क्लियर है? अब जरा वो भी देख लेते हैं। जरा देखिए, सबसे पहला यहां पर जयपुर के बाद यहां पर आता है हुबली, और हुबली के बाद यहां पर, जैसे यहां पर कोलकाता ईस्टर्न रेलवे जोन है, तो कोलकाता यहां पर साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन का भी काम करता है। और यहां पर अगर कोस्टल की बात करें कि भैया समुद्र तट के पास जितने भी रेलवे जोन है उनको देखभाल करने के लिए भुवनेश्वर है, और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो गुवाहाटी पूरे नॉर्थ ईस्ट को मॉनिटर करने के लिए। आई थिंक आपको सारा याद हो चुका होगा। ये था पूरा रेलवे जोन, आई थिंक आपको मजा आया होगा। चलिए, अभी आपने, मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ाया और आपको सामने पूरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये करके दिखाइए, आंसर मैच करिए। मैंने आंसर यहाँ पर लिख दिया है, मैं आगे बढ़ता हूँ अगले टॉपिक पे। और बेटा याद रखो, ये टॉपिक आता भी है तो मैच द फॉलोइंग में आता है, ठीक है ना? तो मेक श्योर इसे जरूर कर लेना, ढंग से कर लेना एक बार और, ठीक है? ठीक है, चलिए अब अगला चलते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, इक्वेटर। मुझे याद है साल था 2021, मैं तब अनअकैडमी में पढ़ाया करता था और लास्ट डे ऐसे चल रहा था, और मैंने कहा था कि बेटा हर 2 साल बाद ये क्वेश्चन आता है, और उसी साल एग्जाम में क्वेश्चन अगले दिन ही आ गया। मतलब जैसे हो सकता है आप अभी क्लास देख रहे हो तो 3 सितंबर को एग्जाम है, तो ऐसे ही हुआ था उस दिन भी कि मैंने एक रात पहले पढ़ाया और अगले दिन वो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। और बच्चों ने कहा सर आपको कैसे पता? मैंने कहा ये एक्सपीरियंस होता है, और मैं इस एक्सपीरियंस के दम पे कह रहा हूँ कि शायद इस बार ये फिर से आएगा, क्योंकि हर 2 साल बाद ये उठ के दोबारा आता है। 2 साल करीबन हो चुके हैं, 2021, 2023। सो मेरी उम्मीद हाई है कि ये आएगा, बट लेट्स सी क्या होता है। चलिए, तो सबसे पहले हम वो कंट्री याद कर रहे हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आते हैं। अब जरा देखते हैं इसे कैसे याद करें। देखो, पहले तो हमें ये वाला जोन याद करना पड़ेगा। ये वाला अगर हमें याद हो गया, ये वाला बहुत आसान है, ठीक है ना? अब जरा समझते हैं कैसे याद करेंगे। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो इंडिया से पास होता है, ये बात याद रहेगी। इसके बाद बांग्लादेश से पास होता है, ये भी याद रहेगा। फिर म्यांमार से पास होता है, ये भी याद रहेगा। उसके जस्ट ऊपर चाइना है, हल्का सा चाइना से पास होता है, और लास्ट से ताइवान, याद रहेगा। इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार,
चाइना ताइवान, क्लियर है, सिंपल सी बात, इतना तो मुझे याद रहेगा। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनो, ये वाला हमें याद करना है कि भैया यहां पर ये वाले कंट्री कैसे याद होंगे, सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर साउथ नहीं नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहला मैक्सी पहनी हुई आंटी से मुलाकात करता है। मैक्सी पहनी हुई आंटी वहां पर जो बाहर आती है, मैक्सी पहनी हुई आंटी बाहर आती है, बाहर आके ना किसी का सहारा ढूंढती है कि वो बहुत परेशान होती है कि यार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मेरे पीछे पड़ गया, ठीक है ना। तो उनको मारुति वाला दिखता है पड़ोसी, वो उनका क्रश भी था, पर वो मारुति वाला उन्हें भाव नहीं देता है, उनको भाव देता है माली, ठीक है ना। माली कहता है कि देखिए आपको हो गया है एलर्जी हो गई है आपको, और मेरे हिसाब से आपको नंगा हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अब ये जब हो जाती है नंगी तो इनके पास क्या होता है, ये इनको लाइब्रेरी वाला देख लेता है, लाइब्रेरी वाला भी इनका आशिक होता है, मैडम भाव नहीं दे रही होती मैक्सी वाली। अब जैसे ही मैक्सी वाली को भाव देता है लाइब्रेरी वाला, वो कहता है ये तू कर रहा है गलत, तू मार एग्जिट नाइजीरिया वाले से, और उसे कहते हैं सऊदी अरेबिया में हम चलते हैं, वहां जा पर हमें मिलेगा एक बुरखा, उसे आप पहन लेना और आपको ओमान मतलब शांति आपको मिल जाएगी, क्लियर है। अब जरा एक बात और मैं दोबारा करता हूँ, ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है ना। कहानी एक बार फिर से ढंग से बताता हूँ, आपको याद होगी। मैंने शुरुआत में कहा था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पीछे पड़ा है, इसके ऐसे कहते हैं कि मैक्सी वाली आंटी को हो गया है कैंसर, क्या बोल रहा हूँ, मैक्सी वाली आंटी को हो गया कैंसर, वो आती है बाहर, बाहर से हो गया भामास, और वो वहां पर सहारा ढूंढ रही थी, तो सहारा ढूंढने के लिए उनको मारुति वाला बड़ा पसंद था जिसके पास मारुति 800 थी, उसने उन्हें भाव दिया नहीं, यह पहुंची माली के पास, माली ने भाव कहा, तो माली ने कहा कि मैडम जी आपको हो गया है कैंसर बिकॉज आपको हो गया है एलर्जी हो गई है, तो आपको होना पड़ेगा नंगा, नंगा से हो गया नाइजीरिया। इन्होंने लीबिया ने लीबिया मतलब लाइब्रेरी वाले आदमी ने देखा कि यार मैक्सी वाली आंटी का फायदा उठा जा रहा है, उन्होंने नाइजीरिया वाले को भगाया, दैट्स कॉल्ड एग्जिट, ई फॉर एग्जिट, ई से भगाना या एग्जिट कराना कह लो आप इजिप्ट, और उन्हें कहा लाइब्रेरी वाले ने आप चलो सऊदी अरेबिया, वहां मिलेगा गुरखा, वो पहनना और फिर मिलेगी आपको ओमान मतलब शांति, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। तो ऐसे हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमें याद। अब जरा हम आगे चलते हैं यहां से, अब आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जरा इसे देख लें, क्या इसमें इंडिया आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम पहले ये वाला कंटेंट देख लें कि इसमें कहाँ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया से पास हो रहा है ये, बस क्लियर है इतनी बात। अब हमें ये वाले बात याद करने, ये वाले कैसे होंगे देखो जरा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यहां पर आप रखो टोपी, टोपी ठीक है ना, आप टोपी पहने हुए हैं, टोपी पहनने के बाद आपने चिली जो मिर्च होती है वो अपनी टोपी में छुपा रखी है, ठीक है छुपा रखी है। अर्जेंटली आपको याद आता है कि आपको भूख भी लगी है, हाँ जी लगी है, तो आप क्या कहते हैं पराठा के साथ वो मिर्ची खा जाते हैं, क्लियर है। तो हमने क्या किया, आपने कैप में मिर्ची छुपाई होती है कि मिर्ची बहुत पसंद है, अर्जेंटली आपको याद आया कि मुझे तो भूख भी लग रही है, चलो कुछ खा लेते हैं, पराठे मम्मी ने दिए थे आपने खा लिए, ठीक है ना। फिर आपको रुमाल नहीं मिला तो आपने ब्रा से मुंह पोंछ लिया, क्या मेरी बात समझ आई, लड़की की ब्रा से मुंह पोंछ लिया, आपको दिखी कि पड़ी हुई थी, ठीक है यहां तक हो गई कहानी। अब सवाल ये आता है कि वो ब्रा किसकी थी, तो भैया नाम पता करने के लिए नाभ्या नाम की लड़की मिली है, ठीक है ना। नाभ्या अगर आपको पता हो तो मुसलमानों में एक लड़की का नाम भी होता है, ठीक है, तो नाभ्या नाम की लड़की की ब्रा थी, ठीक है। अब ब्रा के बाद पता लगा कि यार बोट्सवाना, ठीक है ना, बोट्सवाना मतलब बहुत मारा, क्लियर है, बोट्सवाना बहुत मारा, तो नाभ्या को पता लगा कि उसकी ब्रा से आपने मुंह पोंछा, उसने आपको बहुत मारा, वो भागते भागते आप गए साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के बाद आपको पता लगा कि यार मुझे तो यार मिर्च भी लग रही थी, मैंने मिर्च खाई थी, मुझे मिर्च भी लग रही थी, मुझे थोड़ा प्यास भी कर लेनी चाहिए, तो भागते भागते थक भी गया हूँ, तो उन्हें मोजम्बिक मतलब मौसमी का जूस भी पिया, और लास्ट में मेडागास्कर मदद मांगते मांगते मेडागास्कर पहुंचे। अब जरा एक बार कहानी फिर से देख लेते हैं जिससे हमें याद है, जरा देखते हैं। सो कैप में क्या रखी इसने, मिर्च चिली, राइट। चिली के बाद इसको क्या लगा, अर्जेंटली लगी भूख, तो अर्जेंटीना। अब भूख लगने के बाद क्या हुआ, इनको लगा पराठा खा लेना चाहिए, और पराठा किसके साथ, चिली के साथ खा लेते हैं। अब उन्हें पराठा तो खा लिया, अब उनको अपना मुंह हाथ भी पहुंचना, तो उन्होंने पूछ लिया ब्रा से, ब्रा से मतलब ब्राजील। अब ब्रा से जब पूछ लिया तो इनको एक दिमाग में ब्रा है किसकी, तो ब्रा निकली नाम्बिया नाम की लड़की की, ठीक है ना, मुसलमानों में एक नाम होता है नाम्बिया, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है, ठीक है नाभ्या होता है जहां तक मुझे पता है, ठीक है। अब अगला होता है फिर जब लड़की पीछे मारने पे पहुंची तो भागते भागते पहुंच गए साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका पे जब ये पहुंचे तो उनको ध्यान आया कि भैया हमें मुझे तो यार भागते भागते में तो भूली है, मुझे मिर्च भी लग रही है, तो उन्होंने प्यास बुझाने के लिए, अपनी मिर्च को बुझाने के लिए मौसमी का जूस पिया, दैट्स कॉल्ड मोजम्बिक। फिर उसके बाद आया मेडागास्कर, ठीक है, मदद मांगने के लिए मेडागास्कर पहुंचे, और फाइनली यहां जाकर इनको मदद मिली, तब जाके ये बचे, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया है ही, वो आपको याद रहेगा, क्लियर है,
वेरी गुड, ठीक है। तो आपको मैंने याद कराया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न दोनों हो चुके हैं। अब लास्ट है इक्वेटर। देखो इक्वेटर और इक्वेडोर, पहली कंट्री तो आपको पता ही है कि दोनों सेम ही है, इक्वेटर और ईस्ट इक्वेडोर, क्लियर है। इसके बाद आती है कोलंबिया, ठीक है ना। अब जरा समझते हैं, कोलंबिया यहां पर है, उसके बाद आप देख रहे हो ब्राजील, ब्राजील के बाद आ रखा है आपका साओ टोम एंड प्रिंसी। ये मुझे याद करने में बड़ी दिक्कत होती है, फिर लिखा गैबॉन। तो अगर ऐसे मैं याद करूंगा तो हमारी जान निकल जाएगी। अब इसको हम तीन हिस्से में डिवाइड कर देते हैं जिससे हमें याद करना आसान हो। देखो पहला हिस्सा है ये वाला कि इक्वेटर जो पास होती है वो साउथ अमेरिका से पास होती है, कॉन्टिनेंट पता होना चाहिए, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाती है याद करने में, ठीक है ना, साउथ अमेरिका। उसके बाद अफ्रीका से पास हो रहा है, उसके बाद लास्ट से हमारा ये एशिया वाला पार्ट से पास हो रहा है, क्लियर है। अब जरा समझते हैं कि हमें कैसे कैसे याद करना है। अगेन जो हमारा ये वाला पार्ट है, हमें इसे याद करने के लिए कोई मदद नहीं करनी। इंडिया का प्यारा भाई है मालदीव, मालदीव से पास हो रहा है, और दूसरा है इंडोनेशिया, और लास्ट है किरीबाती, ठीक है ना। ये तीन आपको पता रहेंगे, ये याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, यहां पर देखो आप, यहां पर है इक्वेडोर, पहला कंट्री जो इक्वेटर से पास होता है दैट्स कॉल्ड इक्वेडोर, ठीक है ना। अब आप इक्वेटर पे पहुंचे, आपने करी, आपको कहा कि यार मुझे ना कंगी चाहिए, तो आपने मांगा कॉम्ब, ठीक है। कॉम के बाद आपको बनियान कही गई कि बनियान पहन ले भाई, ठीक है, बनियान के ऊपर शर्ट पहना कर निप्पल देखते हो, निप्पल देख रहे हैं तो मैं काम करता हूँ, मैं ब्रा पहन लेता हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या कर ली, पहन ली ब्रा, ठीक है। मैं लड़का इमेजिन करते हुए कहानी बना रहा हूँ जिससे फनी दिखे, ठीक है। नाउ अब भाई साहब ये कहाँ गए, मंदिर, कि भाई सुबह उठ के मैं करता हूँ पूजा, तो उन्होंने करी टेम्पल में पूजा, साओ टोम एंड प्रिंसिपल वाला जो शहर है मतलब जगह है, यहाँ पर उन्होंने करी पूजा, ठीक है। अब यहां पर उन्हें गैबॉन, ठीक है, अब यहां पर कहा कि अगर आपको मंदिर में आपको अगर थाली चाहिए और थाली डिस्काउंटेड चाहिए तो आपको चाहिए होगा कूपन। मैंने कहा ठीक है, तो हो गया गैबॉन, ठीक है ना। अब गैबॉन के बाद यहां पर आया इनका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। अब भैया यहां पर उन्होंने कंगे का प्राइस देखा, भाई इनको यहां पर कंगा चाहिए था, इनको यहां पर कंगा पड़ा था 1,000 रुपए का और यहां पर पड़ गया 1 रुपए का, इनका दिमाग ही खराब हो गया, ठीक है ना। तो युगांडा यहां पर देने लगे गंदी गंदी गालियां, क्लियर है, तो याद आ गया, तो उसको गालियां देने शुरू कर दिए। लास्ट है यहां पर, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट है केनिया, ठीक है ना। अब इनका दोस्त इनको बुलाया कि भाई केन भाई इधर आ, मेरे तो भाई पैसे लूट लिए, यहां साली कंगी 1 रुपए की है, वहां साला कोलंबिया में दे दिए 1,000 रुपए के, मानना है भाई, ठीक है ना। अब उसको केन जब मानने जा रहा था, उसको जो अपना कोलंबिया वाला था, तो भैया उसको कोई चाहिए था, तो आपने क्या नाम उनका, पॉन स्टार का नाम भूल गया मैं, मिया खलीफा, ठीक है ना। तो मिया खलीफा आपको याद रहेंगे, यहाँ पर सोमालिया, सोमालिया में क्या है, मिया खलीफा है, वो आई है, तो उसने उसे फ्रेंड में कर दिया, भाई केन भाई को तो शांत मिया खलीफा ही कर सकती है, दैट्स कॉल्ड सोमालिया, याद रहेगा। तो एक बार कहानी को हम रिकॉल करते हैं और फिर हमें समझ में आएगा कि क्या सीन है। सो भैया सबसे पहला कंट्री क्या है, ई फॉर इक्वेटर, ई फॉर इक्वेडोर, ठीक है। इक्वेडोर में आप थे, आप सुबह सुबह उठे, आपको कंगी चाहिए, कंगी से आपने काढ़ा, काढ़ने के बाद आप नहा धो के चुके, नहा धोने के बाद आपको पहननी थी ब्रा, आपने पहनी ब्रा, ब्रा पहनने के बाद गए आप टेम्पल, टेम्पल में कौन सा, साओ टोम प्रिंसिपल, ठीक है। आपको बताया गया मंदिर में भी यहाँ पर कूपन मिलता है, तो कूपन आपको मिला गैबॉन पे, गैबॉन से आपने कूपन लिया, कूपन लेने के बाद आपको आगे गए, तो आपको पता है कि कंगी जो मेरे को 1,000 रुपए की कोलंबिया में खरीदने पे मिली थी वो यहाँ पर 1 रुपए की मिल रही है, आपके मन में आई गंदी गंदी गालियां, दैट्स कॉल्ड युगांडा। एंड युगांडा के बाद आपने बुलाया केन को कि भाई केन भाई आ मेरे पैसे वसूल कर। अब जो दुकानदार था जिसने 1,000 रुपए की कंगी बेची थी, केन से भिड़ने के लिए भेजा मियाँ खलीफा को, दैट्स कॉल्ड सोमालिया, ठीक है। अब यहां पर आपने उन दोनों को भिड़ाया, केन की यहाँ से शादी हुई सोमालिया से, की लड़की मियाँ खलीफा से, और फाइनल बात सुलटी, और यहां पर आपको आपके पैसे भी वापस नहीं मिले, क्लियर है, बिल्कुल बात समझ में आ गई है। तो यहां पर मालदीव्स, इंडोनेशिया और किरीबाटी, ये आपको याद रखना पड़ेगा, यहां पर आपकी कहानी सिंपल रहेगी, ठीक है ना। चलिए यहां तक हमने वाला टॉपिक भी कर लिया है, सो अब हम आगे चलेंगे अगले वाले टॉपिक पे, स्टेट्स एंड कैनाल्स ऑफ द वर्ल्ड से करते हैं। सबसे पहली बात देखें यहां पर है, विच स्टेट कनेक्ट रेड सी एंड द इंडियन ओशियन, आपको पता होना चाहिए। देखो ये है रेड सी, यह है रेड सी, और यहां पर आता है इंडियन ओशन। ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी कैनाल है जो हम दोनों को जोड़ती है, बहुत अच्छा है, जल्दी आपको बताना है। देखिए इसका राइट आंसर है ए, इसका नाम है बल ए मंदेव स्ट्रेट, ठीक है ना, बल ए मंदेव स्ट्रेट है, यहां पर ये पड़ती है स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब गली, जैसे आपके यहाँ गलियां होती है, अरे भैया कौन सी गली से हम जाएं कि हमारा मेन रोड आ जाए, बस वही बात है। तो ये वो वाली गली है कि रेड सी से अगर हमें इंडियन ओशन आना है तो यहाँ पर हमें बल ए मंदेव नाम की जो स्ट्रेट है यहाँ से पास होना पड़ेगा, क्लियर है। यहाँ पर देखिए ऊपर कंट्री
देख लो, यमन है, नीचे सोमालिया है, नीचे इथियोपिया है और सऊदी अरेबिया। देखो रेड सी कहाँ पर आता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इतना डिटेल में वैसे नहीं आएगा, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा आपको पता होना चाहिए, कहानी के फॉर्म में पता हो तो अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नजर एकदम स्क्रीन पे, क्या कह रहा हूँ मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर सही से मैच है। अदर एक सवाल आता है गल्फ, सर ये गल्फ क्या होता है। गल्फ देखो, गल्फ एक ऐसी जगह होती है जो ना चारों तरफ कंट्रियों से घिरी होती है और पानी उसमें फंसा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गल्फ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर, आ तो रही है मेरे को बात, जरा देखें जरा। देखो क्या था यहाँ पर, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, जो फ्रांस है क्या उसका बोथेनिया है, अर्जेंटीना का बे बाफियन बे है, क्या है, जरा समझते हैं क्या कह रहे हैं हम। देखिए इसमें आंसर डी इज द राइट आंसर, जरा देखते हैं, फॉल्ट में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ध्यान से देंगे। गल्फ ऑफ टोंकिन जो वियतनाम है वो सही है, देखो जरा अगर आप इसे देखेंगे तो ये वियतनाम है, ठीक है ना, और वियतनाम में गल्फ ऑफ टोकिन है, ये आपका सही जवाब है, ठीक है। बाकियों के बारे में हम बात करेंगे धीरे धीरे, आगे बात करेंगे। गल्फ ऑफ बोथिनिया जो है फिनलैंड और स्वीडन के बीच में है, अभी हम यहाँ पर फ्रांस लिखा हुआ था, गलत है यहाँ पर, क्लियर है। अभी तो हम इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में लेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट था ये बताना चाह रहा हूँ मैं। तो गल्फ ऑफ टोकिन जो है था, इस बार न्यूज में बहुत आया था, वियतनाम और चाइना के बीच में, और इस बार भी दोबारा बन गया है क्योंकि चाइना ने अपना मैप बढ़ा के दिखाया है कि मलेशिया, ताइवान, ये सारे कंट्री मेरे अंडर आते हैं और मेरा ही पार्ट है, तो यहाँ पर हमारे लिए एक चीज इंपॉर्टेंट होगी, तो मेन फोकस हमारा इस पे रहेगा, गल्फ ऑफ टोकिन इज लोकेटेड बिटवीन वियतनाम एंड चाइना। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद कह रहे हैं द पर्शियन गल्फ, वन ऑफ द मोस्ट फेमस गल्फ, वन ऑफ द मोस्ट फेमस गल्फ डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विद, इनमें से कौन सा कंट्री जिसके साथ बॉर्डर नहीं करता है। तो देखें जरा, ये पर्शियन गल्फ है, क्या ऊपर ईरान दिख रहा है, हाँ सर ईरान तो दिख रहा है, ईरान है क्या यहाँ पर, नहीं सर ईरान तो नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कौन सा, इराक, सर इराक है क्या, अरे सर इराक तो है, इराक भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। कुवैत यहाँ पर आ रहा है, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया है यहाँ पर, यूएई, यूएई है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ओमान, ओमान गल्फ ऑफ ओमान में आ जाता है, तो भैया क्या ओमान राइट आंसर है, क्या राइट आंसर है, यस डी इज द राइट आंसर, ओमान जो आ जाता है आपका कहाँ पर आ जाता है, गल्फ ऑफ ओमान के सामने आ जाता है, गल्फ ऑफ ओमान उसके सामने है, अदरवाइज यहाँ पर डी गलत आंसर बैठ रहा है, क्लियर है। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, जरा नजर एकदम स्क्रीन पे बेटा फटाफट से बताएंगे, बात समझ में आ रही है। अच्छा हिमालय और माउंटेन भी करा दें बेटा, बिल्कुल कराएंगे, हिमालय और माउंटेन भी करा देंगे, ठीक है ना, जैसा आप कराते जाओगे उतना हम कराते जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो बैठे ही इसलिए हैं। अच्छा ये है पाल्क बे स्ट्रेट, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन है, पाल्क स्ट्रेट कहाँ पर पड़ता है। देखो पाल्क स्ट्रेट मतलब पार्क से याद कर लो, पार्क है कहाँ पर, पार्क है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच का हिस्सा है जहाँ ब्रिज वाला है, वो पाल्क स्ट्रेट है, क्या मेरी बात समझ में आ रही, हाँ सर बहुत ही आसान है। अब वो पूछता है किन के दो चीज के बीच में है, किन दो चीजों के बीच में है पाल स्ट्रेट, इसने बोला श्रीलंका इंडिया के बीच में, नहीं उसने तो अलग ही चीज बोल दी, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, बे ऑफ बंगाल, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, हाँ सर यहाँ तो बे ऑफ बंगाल आ रहा है, तो बे ऑफ बंगाल और कहाँ पर है, ये बे ऑफ बंगाल और कहाँ पर है, गल्फ ऑफ मेनार है, जल्दी बताएं, गल्फ ऑफ मेनार है, हाँ जी बिल्कुल गल्फ ऑफ मेनार है। अब इसे गल्फ ऑफ मेनार क्यों कहते हैं बेटा, सुन लो जरा ध्यान से, गल्फ ऑफ मेनार कहने का सेंस क्या है यहाँ पर, कि आपका ना लैंड लॉक्ड है, यहाँ से 1 2 3 तो यहाँ पर गल्फ ऑफ मेनार कहा जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल सही बात सर। बे जैसे हम लिखते हैं बे ऑफ बंगाल, तो उसको हम गल्फ ऑफ बंगाल क्यों नहीं कहते हैं, एक बड़ा अच्छा सवाल है इसमें। देखो बे मतलब भी यही होता है, तीन लैंड एरिया से एकदम कवर होना, ठीक है ना, पर बे जो बंगाल होती है, बे होती है, वो लार्जर लैंड लॉक्ड एरिया के लिए कहा जाता है, रदर देन स्मॉल के लिए, ठीक है। तो वहीं गल्फ क्या होता है, छोटे से एरिया के लिए कहा जाता है गल्फ, क्लियर है, हाँ सर बात आप समझ में आ गई। तो मैं पूछा था पाल्क बे स्ट्रेट जो है, पाल्क स्ट्रेट, बे तो गलत ही लिख गया यहाँ पर, पाल्क स्ट्रेट जो है वो किसके बीच में लाया करता है, आपके पास चार ऑप्शन है, फटाफट से बताएंगे कहाँ पर लाया करता है। जी हाँ बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल, जरा इसका आंसर बताएं, जरा इसका आंसर क्या था, एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेंगे, इसका आंसर क्या था, तेजी से गोली की स्पीड से बताएंगे बेटा, गोली की स्पीड से बताएंगे, हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, ओमान इज द राइट आंसर, ये भी आपने सही बताया है, ये वाला बताया यहाँ पर, जो द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच हो रखा है, कौन सा पेयर करेक्टली मैच हो रखा है। जी हाँ तो राइट आंसर वाज गल्फ ऑफ तोंकिन, वियतनाम वाला न्यूज में बैठा था इसलिए इज द राइट आंसर, ठीक है ना। विच स्टेट कम बिटवीन कनेक्ट द रेड सी एंड इंडियन ओशन, कौन सा स्टेट है जो रेड सी और इंडियन ओशन करता है, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, आपने सही जवाब दिया है, ठीक है। चलो आगे देखें जरा बेटा, ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड है, मेरी बात मानना, रिवाइज कर लेना, आपको एग्जाम में दिखेगा, इनमें से एक तो आएगा, देखो दो क्वेश्चन आते हैं स्टेट्स के, दो या एक, तो कोई एक तो आना ही है, ठीक है ना। चलो स्टेट ऑफ डोवर कनेक्ट्स, अच्छा मैं एक बात कह रहा था,
ये क्वेश्चन मैं कराता हूं, पर मैं उससे पहले एक बात कह रहा था, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एनडीए सीडीएस एफकेट की वोकैब अभी तक रिवाइज नहीं करी है, वोकैब कह रहा हूँ इडियम फ्रेजेस रिवाइज नहीं करे हैं, कौन है ऐसे जिन्होंने रिवाइज नहीं करे हैं, जल्दी बताओ। तो काफी सारे होंगे, तो बेटा मैं काम कर रहा हूँ, रेदर देन टेकिंग अ क्लास आई हैव मेड अ पीडीएफ, और वो पीडीएफ मैं आपको 9 बजे दे रहा हूँ, एक बार ना बेटा देख लेना, गो थ्रू कर लेना, ज्यादा ईडीएम नहीं है, सिर्फ 100 ही है, 100 ही ईडीएम है, एक बार गो थ्रू कर लेना। और देखो मैंने जो ईडीएम कराए थे वो एस एस सी जी एल के थे, प्लस मैं आपको एग्जाम के पास से करा दूंगा, आपके इससे बाहर ईडीएम नहीं आएंगे, ठीक है ना, प्लीज मेक श्योर। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपके क्वेश्चन जितने कराए जा रहा हूँ उसमें से काफी ज्यादा रिपीट हो जाए, और अगर आप उसमें चाहते हैं तो आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, क्लियर है। 100 idiom phrases की क्लास ले लूं, क्या बात कर लो, सुबह सुबह ले लूं, 10 बजे ले लूं, चलो यार तुम ऐसा कह रहे हो, मैं मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बड़े यार ऐसा होता है ना, बहुत डरा हुआ होता है बच्चा, बच्चा ना बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, इस चक्कर में मैं मना कर रहा था, बट अगर तुम कहोगे तो मैं ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है कि बच्चा घबराया हुआ होगा, पता नहीं क्या होगा, अगर सबका यस आएगा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई विल टेक द क्लास, ठीक है ना। बट मेरा यही है कि देखो यार ईडीएम आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे कराए हुए से बाहर आ गया, ठीक है, एक लड़का था कल अशोक तिवारी नाम से था शायद, और उसने मुझे कॉल किया, बेचारा घबराया हुआ था, और उसने बोला सर आपने पेंडोरा बॉक्स कराया है, मैंने कहा हाँ बेटा मैंने कराया है, उसने कहा कि सर कहाँ कराया, मैं तो पेड बैच में था ही नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं इसकी पीडीएफ बना के दे दे रहा हूँ, मैंने पेड बैच में तो कराया था, तुम्हारा नहीं हुआ कोई बात नहीं, इसकी पेड पीडीएफ बना के दे देता हूँ, क्योंकि यार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार अगर नहीं होगा तो काफी ज्यादा चांसेस हैं कि हम नहीं कर पाएंगे क्लियर, ठीक है ना। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं करा दूंगा उसे, पीडीएफ 9 बजे सेंड कर देता हूँ मैं, और फिर अगर आप चाहेंगे अभी आप लोग कहेंगे तो मैं कर दूंगा, मैं एक बार दोबारा पूछ लूंगा, अभी तो आपने जो जोश में कह दिया हो, बट कल आखिरी दिन है तो आपकी घबराहट में समझ रहा हूँ टॉप ऑफ द नॉच होगी, क्लियर है। और एग्जाम के बाद बेटा नंबर नोट कर लो, इस नंबर पे ना प्लीज रिव्यू जरूर देना, अच्छा हुआ बुरा हुआ जैसा भी हुआ मुझे बताओ जरूर, अगर मुझे अपने स्टूडेंट्स का ही नहीं पता होगा कि उनका पेपर कैसा गया तो मेरे लिए बड़ी शर्मनाक बात हो जाती है, कि कैसा टीचर उनकी मेरे बच्चे मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्पेशली खराब होने पे ज्यादा बताओ आप, ठीक है ना, क्योंकि यार वो इंपॉर्टेंट होता है, आज बच्चा खराब गया तो कल पेपर अच्छा जाएगा, कुछ ना कुछ करेंगे मिलके, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, अलग स्टेट ऑफ डोवर कनेक्ट, स्टेट ऑफ डोवर कहाँ पर है, देख रहे हैं आप यहाँ पर स्टेट, देख रहे हैं, देख रहे हैं, हल्की सी गली पतली गली कहाँ पर है, यहाँ पर इंग्लैंड है, यहाँ पर फ्रांस है, समझ लो यहाँ पर बेटा बहुत युद्ध हुए हैं, अगर तुम्हें नहीं पता होगा यहाँ पर युद्ध बहुत हुए, जरा सी जगह में, तो इंग्लैंड और फ्रांस, पहले जैसे हम इंडिया पाकिस्तान लड़ते रहते ना, पहले ना इंग्लैंड और फ्रांस ऐसे लड़ते रहते थे, तो ये है यहाँ पर इंग्लिश चैनल और नॉर्थ सी के बगल में, देखो नॉर्थ सी ये रहा, इंग्लिश चैनल ये रहा, कंट्री कौन से, इंग्लैंड एंड फ्रांस, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ सब बिल्कुल समझ में आ रही है। अलग देखिए 10 डिग्री चैनल कहाँ पर है, बहुत ही सिंपल है, बहुत बार आया भी है एग्जाम में, बेटा ये इंडिया में है, ठीक है, इंडिया में कहाँ है, अंडमान ऊपर दिख रहे होंगे, निकोबार नीचे दिख रहे होंगे, यही है, ए इज द राइट आंसर, बहुत बार आया एग्जाम में, आप देखना अगर आप प्रीवियस ईयर करें तो। अलग सवाल है देखो ये आ गया दोबारा, आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही बता दोगे, जल्दी बताओ फटाफट, अभी मैंने 2 मिनट पहले करा, देखो क्वेश्चन आ गया, ठीक है बेटा, मेरी जो ऑफलाइन एकेडमी है बेटा मेरठ में है, मेरठ यूपी, मेरठ यूपी, और हम 15 सितंबर से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट अगर आपको लगे यू आर द मोस्ट वेलकम, आप आओ जरूर, ठीक है सर। आपका लाइव सेशन थोड़ा छोटा है, छोटा कर, अच्छा छोटा करो बेटा, अगली बार के लिए मैंने सोचा है कि छोटा करा करूंगा मैं, और जिससे आप लोगों को ना भी हो, और मैं अगली बार ऐसा करा करूंगा कि एग्जाम से पहले 3 महीने हुए तो 3 महीने में एग्जाम अगर यहाँ पर है तो इस महीने वीडियो कम आएंगी और इस महीने वीडियो सारी आ जाएगी, जिससे बच्चों का रिविजन ज्यादा अच्छा हो सके, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगा है कि शॉर्ट टाइम में कराने में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है कि यार याद कैसे करें, घबराहट बहुत हो रही है वगैरह वगैरह, घबराहट तो सबसे ज्यादा दिक्कत है। तो हाँ तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर बेटा, स्टेट ऑफ डोवर इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखें ना, ये देखो बेटा ये सबसे आसान है, अगर आप करके दिखाओ तो मान जाओ, मैच द फॉलोइंग, कौन सी स्टेट कहाँ पर मिलती है, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, वरना हम जरा देख लेते हैं फटाफट। देखो इसमें अगर आपको दो भी बता दे, सबसे अच्छी बात मैच द फॉलोइंग की है कि अगर आपको दो बताए ना कोई तो आप तीसरा निकालोगे, जैसे मुझे स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पता है, स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स कहाँ है, मुझे स्टेट ऑफ गिल्बर्ट आर पता है ये कहाँ है, ठीक है ना, मुझे गिल्बर्ट आर पता भी ऐसा था, गिटार बजा रहा है क्रिकेट,
गिटार बजा रहा है क्रिकेट, मैंने ऐसे याद किया था। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ क्या सीन है। देखो बेटा इसका राइट आंसर है सी। देखो स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर कहाँ पर है, अगर आप अफ्रीका और स्पेन के बीच में देखेंगे आपको स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर मिलेगा, ठीक है ना, जहाँ सारे क्रिकेट पड़े हुए हैं। स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहाँ है बेटा, मलेशिया के बीच में। जब आप यहाँ से चाइना की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर पड़ेगा मलक्का। और स्ट्रेट ऑफ बेरिंग कहाँ पर है, अलास्का और रशिया के बीच में, अलास्का और रशिया के बीच में यहाँ पर है। अगर आप दुनिया गोल है आपको पता होगा तो यहाँ पर बैठती है। तो भैया राइट आंसर क्या होगा जल्दी बता दो, मैंने आपको सारे बता दिए। मैप क्लियर नहीं है, कौन सा मैप क्लियर नहीं है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है बेटा। मैं ऐसे जूम कर दूंगा अगर आपको लग रहा है तो, ऊपर जूम का बटन कहाँ ही रहा। आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा ब्लर है मैं मानता हूँ, वो अब आगे देखेंगे, शॉर्ट टाइम इतना मिला नहीं मेरे को। ऑनलाइन बैच बेटा मैंने हमने स्टार्ट कर दिए ऑलरेडी, ऑनलाइन बैच हमने स्टार्ट कर दिए, अगर आप ऐप पे जाएंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए जरा, ये देखो स्टेट कनेक्टिंग आर्कटिक एंड पैसिफिक ओशन, यहां पर क्या था अभी 2 मिनट पहले बता, स्टेट ऑफ क्या पढ़ा था हमने, स्टेट ऑफ क्या पढ़ा था हमने, अभी पढ़ा था हमने स्टेट ऑफ बेरिंग, स्टेट ऑफ बेरिंग कौन सा स्टेट, ए इज द राइट आंसर, क्लियर है। हाँ सर अब याद हो गया। स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स कहाँ था, मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ाया, देख लो जरा ऑप्शन दे रहा हूँ। देखो स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स कहाँ पर है, यहाँ आपका पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ से आप इधर निकल के आओगे तो यहाँ पर आपका स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स पड़ेगा ईरान, और नीचे यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच में, क्लियर है। अब आप मुझे बता दो भैया राइट आंसर क्या है। जी हाँ द राइट आंसर ओवर हियर इज पर्शियन गल्फ लेफ्ट में है और गल्फ ऑफ ओमान नीचे है, यस बी इज द राइट आंसर। विच स्टेट सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया, कौन सा ऐसा स्टेट है जो यूरोप और अफ्रीका को अलग रखता है। तो देखो बेटा स्पेन अफ्रीका अभी दो अलग फॉर्म में पूछ सकता है, स्पेन और अफ्रीका के बीच में कौन सा स्टेट आता है, देन स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, और देखो दोबारा दूसरे फॉर्म में आ गया है, तो बी इज द राइट आंसर, बहुत ही प्यारा है। और देखो इसके आगे क्या है, मेडिटेरियन सी, याद रहेगी बात, हाँ तो याद तो रहेगी। मलक्का स्टेट कहाँ था, एम फॉर मलेशिया एम फॉर मलक्का, ठीक है, तो यहाँ पर मलक्का स्टेट यहाँ पर मलेशिया वाले स्टेट पे आता है। जल्दी बताएं ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे यहाँ से मुझे चाइना जाना हो तो मैं यूं जाऊंगा, दैट कॉल स्टेट ऑफ मलक्का कहाँ पर है, इज द राइट आंसर, क्लियर है। आगे चलें, ओके अगला है क्याल केनाल, क्याल केनाल एक नॉर्थ सी, ब्लैक सी, ब्लैक सी, रेड सी इससे है बेटा। क्याल केनाल ना एक आर्टिफिशियल केनाल है, ऐसा नहीं है कि पहले से थी, हमने बनाई है, ठीक है, और ये हमने बनाई है जर्मनी में, कहाँ बनाई है, जर्मनी में। कहाँ बनाई है, जर्मनी और डेनमार्क के बीच में बनाई है, एंड द राइट आंसर इज ओवर हियर इज कौन सा सी है बेटा, कौन सा सी है, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल नॉर्थ सी के पास इन्होंने बनाई है, दैट्स कॉल्ड नॉर्थ सी, और यहाँ पर ये इज द राइट आंसर, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताएंगे। जल्दी बताओ, बेटा बायोलॉजी की मैंने पूरी पीडीएफ दे दी, आप वो पीडीएफ एक बार देख लो आपको क्लियर हो जाएगा। मेरी एनर्जी कोई लो नहीं है मेरे बच्चे, दिखा रहा हूं कि तुम्हारी एनर्जी ऐसी दिख रही है, मेरी लो नहीं है, बूस्ट द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी, समझ रहे हो मेरी बात। चलो आगे देखें जरा,
अगला है सो कैनाल, आ गया। सो कैनाल कनेक्ट क्या, सो कैनाल किस चीज को कनेक्ट करती है। देखिए सो कैनाल की बात करें तो देखिए यहाँ पर है सो कैनाल, ठीक है ना, सो लॉक भी कहा जाता है इसे। और अगर आप सो लॉक को ध्यान से देखें, आ गया, आ गया, ओके। जो सो कैनाल कनेक्ट करती है टू हैव अ फाइव ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थन अमेरिका, यहाँ पर ये है, और ये एक दो तीन चार, चार और पांच कहाँ गई, यहाँ पर है सो कैनाल, 1 2 3 4, फोर एक और आई थी फाइव, आई थिंक फाइव ऐसे ही काउंट कर रहा है। सो द सो लॉक है एक टाइप का लॉक है जो चार पांच लेक्स को बांध के रखता है इस नॉर्थ अमेरिका के अंदर, एंड दैट्स कॉल्ड सो कैनाल, एक साथ, ठीक है। सो राइट आंसर क्या है, सो कैनाल कहाँ पर है, सारे याद नहीं कर सकते आप, बट आप कुछ याद करो यहाँ पर, तो राइट आंसर आपको मिलेगा डी, दैट्स कॉल्ड सुपीरियर, एंड मिशिगन इज द राइट आंसर। अगर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सुपीरियर कौन सी, मिशिगन कौन सी, ए बी सी या डी, जल्दी बताएं। देखो यहाँ पर है मिशिगन ये री, सुपीरियर कहाँ है, ये लेक सुपीरियर ये री, लेक मिशिगन ये है, लेक सुपीरियर ये है, ठीक है ना, बिल्कुल यही सही जवाब है, ठीक है, बात समझ में आ रही, हाँ सर हाँ तो रही है। अगला है पनामा, पनामा पेपर लीक सुना है आपने, हाँ सुना है, तो पनामा कंट्री है वो यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर ही पनामा कंट्री है, और यहाँ पर बना है पनामा कैनाल। पनामा कैनाल क्या कहता है, वो ये कहता है कि मैं नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता हूँ। बेटा ये आर्टिफिशियल बनाई हुई कैनाल है, नेचुरली नहीं बनी हुई थी, वैसे कोई भी कैनाल मुझे लगता है नेचुरली बनी हुई थी, ठीक है ना। आगे देखो, द पोर्ट पेयर लोकेटेड एट द बोथ एंड ऑफ द स्वेज कैनाल इज, ध्यान सुन रहा, पोर्ट पेयर लोकेटेड एट द बोथ एट द स्वेज कैनाल इज, ये स्वेज कैनाल है, ठीक है ना, और उसके आगे कौन सी कैनाल लगी हुई है, कौन सी कैनाल लगी हुई है, ये आपको देखना है। देखो एक कैनाल तो यहाँ पर स्वेज लगी, देखो आप देख रहे होंगे स्वेज यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ तक चल रही है, देख पा रहे हैं आप, हाँ सर बात तो समझ में आ रहे हैं। जरा मैं दोबारा बोलता हूँ, अ पोर्ट पेयर, कौन सा ऐसा पोर्ट है जो पेयर में लोकेटेड एट द बोथ एंड ऑफ द स्वेज कनाल, स्वेज कनाल के अंत में लगा हुआ है, कौन सा है जरा, तो भैया बड़ा ही सिंपल जवाब है, इसका नाम है पोर्ट सैड स्वेज, पोर्ट सैड स्वेज इज द राइट आंसर। देखो बेटा यहाँ पर आप नाम भी सुनोगे, भैया जिसका यहाँ पर मतलब चलता है, जिसका बिजनेस चलता है, उसी के वहां पर उन्होंने ले रखा है, सो दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है, जरा देख के बताएंगे बराबर, जरा पर बिना मेरी मदद के एक बार ऑप्शन पढ़े हो, जरा देख के बताएं क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है ठीक है, आगे देखिए वो कह रहा है कि इन स्वेज कनाल रीजन, स्वेज कनाल रीजन में द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेक्स पासिंग फ्रॉम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इज, स्वेज कनाल के उसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से बताइए कौन कौन सी सी है, देखिए जरा, देखो कौन सी लेक है, लेक मंजाला, लेक तिमिश, ग्रेट बिटर लेक और ग्रेट बिटर लेक, यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है, लेक मंजाला, लेक तिमिश, ग्रेट बिटर लेक एंड ग्रेट बिटर लेक, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ सर हाँ तो रही है, दिस इज द राइट आंसर, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। अगला है द कर्स स्ट्रेट, द कर्स स्ट्रेट इज लोकेटेड बिटवीन वेयर, तो देखो बेटा ये न्यूज में बना था, रशिया और क्रीमिया के बीच में जहां लड़ाई हो रही थी क्रीमिया को हटाने के वक्त, सो जो कर्स स्टेट था वो न्यूज में आया था कि ये कर्स स्टेट कहाँ पर है, ठीक है ना, वेरी गुड। अगला सवाल जरा देखे रहा, ये वाला देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगा, रिवर हम कर चुके हैं। देखो पहला वर्ड है कुलेरू लेक, कुलेरू लेक क्या है, कॉल कर रहा हूं मैं, कौन कौन कॉल कर रहा है, भैया कृष्णा कॉल कर रहा है गोदावरी को, तो कृष्णा कॉल कर रहा है गोदावरी को किससे, कुलेरू लेक की मदद से। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर है ये कुलेरू लेक बीच में एकदम,
केरे दैट्स कॉल्ड कोलारू लेक। आगे देखें जरा, सांबा लेक। सांबर में आपने डाला नमक, सांबर में डाला नमक और नमक निकला राजस्थान से, दैट्स कॉल्ड सांबर लेक। क्लियर है? हाँ सर, बात समझ में आ रही है। अब आते हैं पुष्कर लेक पे। पुष्कर लेक राजस्थान, अजमेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में ये जगह है, दैट्स कॉल्ड पुष्कर लेक राजस्थान। ठीक है ना, ये बात आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर सेक्रेट प्लेस ऑफ हिंदूज है, बहुत हिंदूज आते हैं यहाँ पर पूजा पाठ करने, ये आपको पता होना चाहिए। सुरा पुष्कर लेक मतलब पुष्कर करके तुम्हें भेजा गया, बेटा पूजा वूजा कर लिया करो, थोड़े भगवान माया करो, दैट्स कॉल्ड पुष्कर लेक। और ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में, बिल्कुल जहाँ सूखा पड़ा होता है। क्या बात है, आगे देखिए जरा, ध्यान से देखना बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, नजर एकदम स्क्रीन पे, बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आया है। क्या है? लोनार लेक। लोनार लेक क्या है कि बहुत बड़ा मीटियोर था, 50,000 साल पहले हिंदुस्तान पे आकर टकरा गया था। अब उसके टकराने से क्या हुआ कि जो ग्राउंड है वो एकदम सर्कल शेप में आ गया। सर्कल शेप में आने की वजह से क्या हुआ कि वहां पर पानी जमा होने लगा और प्रेजेंस ऑफ एलगी बढ़ गई। तो यहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, पर जो पीएचडी वाले होते हैं वो तो निचोड़ ही डालते हैं एक ही चीज के पीछे। क्लियर है? हाँ सर, बात समझ गए। आगे देखें जरा, पुलिकत लेक। पुलिकत लेक क्या है? पुलिकत लेक क्या है, जल्दी बताओ। देखो पुलिकत लेक अगर आप जाओगे तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, अगर यहां पर से ध्यान से देखोगे तो 4% एरिया, 4% एरिया आपका तमिलनाडु में आता है, वही 96% एरिया तमिलनाडु में आता है। और इसी चीज के पीछे यहाँ पर लड़ाई चलती रहती है, अगर आप पता करेंगे गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा। क्लियर है? बिल्कुल। और यहाँ पर ही आपको एक बहुत बढ़िया चीज मिलेगी, सतीश धवन स्पेस सेंटर भी आपको यही मिलेगा हर हाल में। क्लियर है? तो सिक्योरिटी इसलिए भी टाइट रहती है। आगे देखिए जरा, अगला है लोकतक लेक मणिपुर। देखो बेटा ये वाली लेक ना, अगर आपने नोटिस की हो, जब मैंने अभी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व कराया था तब मैंने कराया था, याद है? तो मैंने इसे खाली नेशनल पार्क ही बोला था। जल्दी बताएं, क्लियर है? ओके आगे देखें जरा, अगला है सास्तोमा कोटा लेक। सास्तोमा कोटा लेक क्या होती है देखते हैं ना। सास्तोमा कोटा लेक एक प्योरिटी ऑफ द लेक है, प्योरिटी ऑफ लेक है, एक सेकेंड, ये रहा। देखो ध्यान से देखो, नजर एकदम स्क्रीन पे। द प्योरिटी ऑफ लेक वाटर ऑफ ड्रिंकिंग यूज इन एट्रीब्यूट टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ लार्वा कॉल्ड कैवाबोरस दैट कंज्यूम बैक्टीरिया इन द लेक वाटर। ठीक है, तो सस्तकोमा लेक केरला में एक ऐसी लेक है जो कि पानी, जिसमें आप मुंह डाल के पानी पी सकते हो, दैट इज सस्तकोमा लेक। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए यहां तक की कहानी हो गई, सबको समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। अगला देखिए, अगला सवाल बहुत अच्छा है। अगर मैं आपसे पूछूं देश की सबसे बड़ी सॉल्ट लेक कौन सी है, तो आप कौन सी बोलोगे? उड़ीसा। उड़ीसा इज द राइट आंसर। ठीक है ना, अगर मैं कहूं कि लॉन्गेस्ट लेक कौन सी है तो उसका नाम है वेम्बन लेक। मतलब चौड़ी तो खास कुछ है नहीं, पर लंबी बहुत है यार, लंबी बहुत है। दैट्स कॉल्ड वेमांत लेक, वेमांत लेक। आगे देखें जरा, ये किसको नहीं पता, डल लेक। ठीक है ना, डल से वैसे होता है बोरिंग बोरिंग टाइप का, पर नहीं बेटा यहाँ पर आता है एक्साइटमेंट, यहाँ पर मिल मिलाकर आया था एक्साइटमेंट, और यहाँ पर ये डल लेक जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है ना, ये बात आपको पता होगी, न्यूज में हमने कई बार देखी भी होगी। अगला देखिए नैनीताल लेक। नैनीताल लेक मतलब क्या होता है? उत्तराखंड। ठीक है, और फिर ये बकवास है, ये बकवास है, इसका कोई काम नहीं। ठीक है ना, पर याद रखो नैनीताल लेक कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कईयों को इसे लेक टाउन ऑफ लेक भी कहा जाता है, उत्तराखंड को टाउन ऑफ लेक भी कहा जाता है। क्लियर है? जल्दी बताएं। चैलेंज से सही पकड़ाएगी, सारी साइडें रामसर साइड में भी हैं। बिल्कुल
बोलो बालक। आगे देखो, सलीम अली लेक महाराष्ट्र में है, ये कहाँ पर है? बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है इस लेक को, सलीम अली लेक। इसमें आता है तोसमोंगो लेक, ये नाम से पता लग रहा है अजीब है, या चाइनीज होगा या ये अरुणाचल प्रदेश का होगा, तो वहीं से आया है तोसमोंगो लेक। सो राइट आंसर इज, आप बताओगे राइट आंसर क्या है, कि इंडिया में बाहर का आदमी क्या आदमी है, जल्दी बताएं। जी हाँ, अगला देखिए, दो तीन बातें और हैं। पेरियार लेक एग्जाम में कई बार आई है। पेरियार लेक फॉर्म बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम अक्रॉस द मुला पेरियार रिवर, ठीक है? मुला पेरियार रिवर आपको केरला में मिलेगी और उसके चारों तरफ आपने डैम बना दिया, इस चक्कर में लड़ाई हो रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर, अब बात समझ में आ रही है। आगे देखिए जरा, ओके अगला देखिए, कनेक्ट ट्विन सिटी। देखो हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद एकदम ऊपर नीचे, इनके जोड़ी में कोई भी फर्क नहीं है, दैट इज कॉल्ड सागर लेक। सागर लेक, ठीक है ना? लड़की देखो कितना बदलती है, प्यार लड़का करता हो या ना हो, बट भैया उसकी याद में आज भी बंदा हैदराबाद सिकंदराबाद खड़ा रहता है, और ना उसकी रिस्पेक्ट में आई यू की जगह कनेक्ट से आ गया, सीधे वर्ब आ गई है स्टार्टिंग में। क्लियर है? एग्जाम में बच्चा लौटना टॉप मारने वाला। ओके अगला देखते हैं, कनवल लेक। वैसे बकवास है यार, ये एग्जाम में नहीं आएंगे, बट ठीक है मैंने करा दिया। बुला लेक कहाँ पर है बेटा? जम्मू एंड कश्मीर में, फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी लेक है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? अब आगे हम चलते हैं, आगे चलें। ओके अगला है पैंगोंग तोसो लेक। पैंगोंग तोसो लेक क्या है? इट्स अ ट्रांस बॉर्डर लेक स्पेनिंग अक्रॉस द इंडिया लेक। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंडियन है आदमी, इंडियन आदमी है और वो शादी करना चाहता है औरतों से, तो बेटा ऐसा तो होगा कि इंडिया की जितनी भी आपके पास क्या कहते हैं उसे असेट्स हैं या आपकी मेडिकल फैसिलिटीज, वो सब आपसे छीन ली जाएंगी और वो पाकिस्तानी आपको दी जाएंगी। क्लियर है? ये सीन है, दैट्स कॉल्ड तैंगमोंग तोसो लेक। चलो ये हो गई, अभी वाली लेक वेक छोड़ देते हैं जरा, ये बकवास है। अब हम करते हैं पासेस। चलो पासेस से पहले ना पहले कुछ सीख लेते हैं यार। तो अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर 22। चैप्टर 22 जो है ना भाई, कभी ऐसा था 10 साल तक नहीं आया, और अब 2021, 22, 23 एंड सो ऑन आता जा रहा है, ठीक है? तो भैया एक बात समझो, जो यूपीएससी है ना, 10 साल बाद दोबारा जगती है, पुराने क्वेश्चन लेकर आती है, तो मैं वो क्वेश्चन कराना चाहूँ। टॉपिक का नाम है जीएमटी टाइम जोन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब जरा देखो, जरा जीएमटी जो टॉपिक है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्वेश्चन आना तय है, फिक्स है, एक क्वेश्चन आएगा फिक्स है। अब देखो ऐसा है, इसकी कहानी समझो। एक टाइम तुम्हें पता होगा दुनिया पे अंग्रेजों का राज था, तो दुनिया में अंग्रेजों ने कहा कि हम अपने आप को एक रेफरेंस बनाना चाहते हैं, और अगर हमारे ईस्ट में जो है वो ईस्ट साइड है और जो हमारे वेस्ट की तरफ है वो वेस्ट साइड है। क्लियर है? यहां पर सूरज क्योंकि पहले निकलता है तो यहां होगा टाइम प्लस, क्या होगा? टाइम प्लस। और ये हमारे बाद में निकलता है इनके यहां सूरज, इसलिए यहां पर होगा टाइम माइनस। सिंपल रूल उन्होंने बनाया, दोबारा बोल रहा हूं, इनके यहां से पहले क्योंकि सूरज निकल जाता है इसलिए यहां पर होगा टाइम प्लस, और इनके बाद क्योंकि सूरज निकलता है तो यहां पर होगा टाइम माइनस। अब जरा समझते हैं कैसे। मान लो तुम्हारे यहां अंग्रेजों के यहां, मतलब यूनाइटेड किंगडम में 12 बज रहे हैं, क्लियर है? 12 बज रहे हैं, ठीक है? अब हमें टाइम निकालना है कि यार इंडिया में कितना हो रहा होगा। तो इंडिया की जो टाइम की दूरी है ना, इंडिया की, ध्यान सुना मेरी बात, इंडिया की जो टाइम की दूरी है वो है 5 घंटे 30 मिनट। कितना? 5 घंटे 30 मिनट। तो अगर यहां 12 बज रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम प्लस, तो 12 × 5 आर 30 मिनट्स, ठीक है? जो भी आंसर आएगा बाद में बात करेंगे, ठीक है? अब मान लो हाइपोथेटिकली कि यूएसए पहुंचने के लिए 3 घंटे माइनस करने पड़ते हैं, तो हम क्या माइनस करेंगे? 12 − 3 आवर्स। बात समझ में आ रही है? क्या कहना चाह रहा था कि लंदन के इधर की साइड, यूके की इधर की साइड माइनस होगा टाइम, और
इंडिया की तरफ प्लस होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल, बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इधर टाइम प्लस होगा, इधर टाइम माइनस होगा। क्लियर है? ठीक है, अगर हम दूसरा कंसेप्ट समझते हैं, ध्यान सुनो। धरती 360 डिग्री पे घूमती है? हाँ घूमती है। कितने देर में घूमती है? 24 घंटे में। तो सवाल यह है कि एक घंटे में धरती कितना घूमेगी? तो 360 डिवाइडेड बाय 24। क्लियर है? 24 घंटे। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 15 डिग्री। तो इसका मतलब क्या पता लगा कि एक घंटे में धरती 15 डिग्री घूम जाती है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अब मैं पूछूं कि 60 मिनट में क्या 15 डिग्री घूमती है? तो आप कहोगे हाँ सर सेम बात है, एक घंटा लिख लो या 60 मिनट लिख लो, बात सेम है। मैंने कहा ठीक है, तो मुझे बताओ कि 1 डिग्री में, 1 डिग्री में 1 डिग्री कितने मिनट में घूमती है? तो 60 डिवाइड बाय 15 कितना हुआ? 4। तो 1 डिग्री घूमता है 4 मिनट में। क्या आपको लॉजिक समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। ठीक है, दो चीजें याद रखनी है, एक घंटे में 15 मिनट घूमती है धरती, और यहां पर 4 मिनट के अंदर 1 डिग्री धरती घूमती है, बस। क्लियर है? अब क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया है आपका सीडीएस 2023 में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये कह रहा है अभी 10 बज रहे हैं, कहां पर? ग्रीनविच मीन टाइम पे। अब मैं जीएमटी पे बोल रहा हूं 10 बज रहे हैं, तो भैया देखो ग्रीनविच मीन टाइम यहां से लेके यहां तक पूरा है। ठीक है, यहां पर आपका यूके भी आ गया, फ्रांस भी आ गया, स्पेन भी आ गया, सारे कंट्रीज आ गए। तो वो क्या कह रहा है, जीएमटी मतलब इस वाली लाइन पे प्राइम मेरिडियन जिसका दूसरा नाम है, वहां पर कितने बज रहे हैं? 10 बज रहे हैं। ठीक है जी, 10 बज रहे हैं। क्लियर है? अब वो पूछ रहा है कि 90 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम हो रहा होगा। अब देखो भैया, जैसे ये एक लाइन है 0 डिग्री वाली, वैसी 30 डिग्री की भी एक लाइन है, देखो तुम देख पा रहे होगे, वैसे ही एक लाइन क्या है 60 डिग्री की भी है, वैसे एक लाइन किसकी है 90 डिग्री की भी है। अभी हमसे पूछ रहा था कि 90 डिग्री ईस्ट पे टाइम कितना हो रहा होगा। क्या पूछ रहा है वो? 90 डिग्री ईस्ट पे कितना टाइम हो रहा होगा। अब तुमको याद है एक घंटे में कितना धरती घूमती है? 15 डिग्री। वो पूछ रहा है कि बताओ मेरे पास 15 डिग्री की जगह यहां पर 90 डिग्री लिखूं, तो बताओ कितना घूम चुकी होगी, सॉरी कितना टाइम हो रहा होगा। तो भैया सिंपल है, 90 डिग्री को 15 से डिवाइड कर दो, क्या मिला? 6 मिला कि नहीं मिला? हाँ सर मिल गया। अब ग्रीनविच मीन टाइम पे कितना समय हो रहा है? 10 बज रहे हैं, बज रहे हैं कि नहीं बज रहे? यहां पर समय कितना हो रहा है? 10 AM हो रहा है यहां पर। अब मुझे बताओ ईस्ट साइड में टाइम प्लस होगा कि माइनस होगा? सर प्लस होगा, बिल्कुल आपने बताया था। तो भैया सिंपल है, 10 में 6 प्लस कर दो, जो आंसर है वही होगा 16। पर क्या है यहां 16 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो हमें भैया टाइम ढंग से निकालना पड़ेगा। अब ढंग से निकालने का तरीका क्या है देखते हैं। लिखो यहां पर 10, फिर लिखो 11, फिर लिखो 12, फिर लिखो 1, फिर लिखो 2, फिर लिखो 3, फिर लिखो 4, फिर लिखो 5, फिर लिखो 6। लिखा, अब इसके नीचे को लिखो 1। 1 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यहां से लेके यहां तक कितना घंटा हुआ? 1। यहां से लेके यहां तक कितना हुआ? 2। यहां से लेके यहां तक 3, फिर यहां पर 4, यहां पर 5 और यहां पर 6। सही बोल रहा हूं? अब हमारे पास कितने घंटे आए थे 90 डिग्री को डिवाइड करके? 15 से जब डिवाइड किया तो कितने आए थे? 6 घंटे। तो देखो 6 घंटे कहां पर हो रहे हैं? ये तो 4 बजे हो रहे हैं। अब सवाल है सुबह का कि शाम का? अगर हम AM में प्लस कर रहे हैं तो भैया टाइम किस में जाएगा? PM में। तो आंसर क्या हो गया? डी, कहानी खत्म। सिंपल कुछ था इसमें। पहला काम क्या किया? पहले देखा 10 AM कहां हो रहा है? GMT पे, खत्म। दूसरी क्या बात करी? 90 डिग्री ईस्ट का, ईस्ट ईस्ट मतलब प्लस होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री को पहले 15 से डिवाइड किया, 4 आया, सॉरी 4 कह रहा हूं, 6 आया। ठीक है, 6 मतलब कितना है? 6 आवर्स आ गए। अब मैंने इसमें क्या किया? 10 एएम में प्लस कर दिया। कोई बच्चा पूछेगा कि सर आपने ये 15 कहां से लेकर आया? तो आपको याद रखना है एक घंटे में धरती 15 डिग्री घूमती है, तो पूछ रहा है 90 डिग्री का बता दो, सिंपल सी बात। यहां पर करा, उसके बाद 10 एएम प्लस 6 किया, तो भैया क्या आया था? शाम के 4 बज रहे थे। प्लस करके देख लो, 6 घंटे बढ़ा के देख लो भैया, 10 एएम से 6 घंटे कैलकुलेट कर लो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा 4 PM। देखो यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी का, 2 मिनट में कर दिया। अगला सवाल देखो, ये एनडीए में आया था। सवाल क्या है? दिल्ली में बज रहे हैं 12, दिल्ली में बज रहे हैं 12, ध्यान सुनो, दिल्ली में बज रहे हैं 12। हाँ जी बजा दिए 12। ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली में अगर 12 बज रहे हैं तो बताओ लंदन में कितना बजेगा? तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर अगर 12 बज रहे हैं तो भैया आपको यह याद रखना है कि
लंदन और इंडिया के बीच में 5 घंटे 30 मिनट का फर्क है, बात याद रहेगी? हाँ सर, कितना? 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है सर, अगर 5 घंटे 30 मिनट का फर्क है तो 12 में से पहले मैं 5 घंटे घटाता हूँ। भाई 30 मिनट अगर एक साथ घटाऊंगा तो मुझे थोड़ी दिक्कत आएगी, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कैलकुलेशन में, तो मैंने 30 मिनट को छोड़ दिया, पहले 5 घंटे घटाए। ठीक है, तो मिल गया 7। अब मुझे बताओ 12 में हम पीछे जा रहे हैं ना, 11 10 9 8 7, 5 घंटे पीछे जा रहे हैं ना, तो कितना हो गया? 7 AM। अब 7 AM में मैंने 30 मिनट और घटाए, क्या बोल रहा हूं मैं, 30 मिनट और घटाए, कितना हो गया? 6:30 सुबह के, शाम के? सर ये AM था, बिल्कुल, तो ये सुबह के हो गए, 6:30 हो गए, कहानी खत्म, 20 द राइट आंसर, खत्म। मैंने आपको इस टॉपिक से आने वाले जो दोनों मशहूर क्वेश्चन के टाइप हैं, और मैक्सिमम यही टाइप आते हैं, इससे ज्यादा और कोई टाइप नहीं आता, मैंने आपको करा दिया। ये था चैप्टर नंबर 22, मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 24 जो कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, एग्जाम में इसकी वेटेज बढ़ती जा रही है, तो हम डायरेक्टली टॉपिक में जंप करते हैं। हेलो चैम्स, तो मैं आज आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन लाया हूं जो बहुत तेज आ रहा है, सीडी सेकंड 23 का ये क्वेश्चन है, जिसमें रेवोल्यूशन को उसके प्रोडक्शन से मैच करना है। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है, तो चलो समझते हैं, बात करते हैं एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की। बात में सबसे पहला इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन है प्रोटीन रेवोल्यूशन, प्रोटीन रेवोल्यूशन सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है, और ये प्रोटीन के रिगार्डिंग था, जैसे नाम बोलता है इसका, बट इसे लाने वाले थे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और उनके दोस्त अरुण जेटली। इसके बाद आता है येलो रिवॉल्यूशन, और येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड के रिगार्डिंग था, जिसे येलो रिवॉल्यूशन के फादर लाए थे सैम पित्रोदा जी। थर्ड रिवॉल्यूशन है ब्लू रिवॉल्यूशन, जो कि फिश के रिगार्डिंग है, और ये रिवॉल्यूशन जो लेकर आए थे वो लाए थे डॉक्टर हीरालाल चौधरी। अगला रिवॉल्यूशन है गोल्डन रिवॉल्यूशन, जिसे निरपाक तुते जी लेकर आए थे। अब ये किस बारे में है? ये हनी एंड हॉर्टिकल्चर के बारे में। फिफ्थ रिवॉल्यूशन जो है वो है पिंक रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन है मीट एंड अनियन के रिगार्डिंग, इसे लाए थे दुर्गेश पाटिल जी। और इसके बाद आता है सिल्वर रिवॉल्यूशन, और सिल्वर रिवॉल्यूशन लेकर आई थी हमारी इंदिरा गांधी जी, जो कि अंडों के बारे में था। अगला रिवॉल्यूशन है व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, और जिसे अमूल के फाउंडर लेकर आए थे, जिनका नाम है वर्गीज कुरियन। उसके बाद आता है गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन, जिसे हम जूट के नाम से जाना जाता है, और 9th रिवॉल्यूशन है सिल्वर फाइबर, जो कॉटन के लिए, और 10th जो है हमारा राउंड रिवॉल्यूशन जो है पोटैटो के रिगार्डिंग। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि रेड एंड ब्लैक रिवॉल्यूशन किस चीज के रिगार्डिंग है। चैप्टर 24 खत्म हो गया, जो कि हमारा एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का आखिरी चैप्टर था। इसको मन लगा के रिवाइज करना मेरे बच्चे, और आप महसूस करोगे कि आपका एग्जाम निकल जाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वन गो, तो भैया अब हमने पार्ट टू पूरा खत्म कर लिया है, आपको मैंने पहले ही बता दिया था इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, व्हाट्सएप पे जाना है, इंदौर नंबर पे आपको एनडीए सीडीएस जो भी आप एग्जाम दे रहे हो वो आपको लिखना है, और आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, और टेलीग्राम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, ओके, याद रखो एक बात, मैं आपको ये वाली वीडियो मैंने आपको दिखाई थी कहीं ना कहीं, कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके एग्जाम में आएगा जरूर, और अगर आपका मन हो कि आपको पर्सनल अटेंशन चाहिए, लिमिटेड बच्चों में मात्र 30 बच्चों में आपको पढ़ना, मात्र 30 ब्लडी 30 स्टूडेंट्स, ठीक है, जिनका जिन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा हो, तो आप मोस्ट वेलकम हो सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड में। ठीक है, आप आइए, मेरिट में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के जस्ट अपोजिट में ये जगह है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपका, और बाकी आप सिलेक्शन हो तो मिठाई खाने का भी इंतज़ार कर रहा हूँ, एड्रेस तुम्हें पता लग गया, गूगल पे डालोगे आराम से मिल जाएगा, ये मेरा नंबर है। मुलाकात करते हैं आपसे पार्ट 3 में, जो कि आपका आएगा वेनसडे को। वेनसडे कब है? 10th of April। ठीक है, चलिए, मैंने तो आपसे विदा, जय हिंद, टेक केयर। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।